गाड़ी क्यों रोकी तूने? मैडम आपकी गाड़ी में स्टिकर नहीं है, हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। तू जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ? नहीं मैडम, वो हम आज ही आए नहीं, हमको गाइड किया गया कि बिना स्टिकर वाली गाड़ियों को अंदर नहीं जाने देना है। तेरी तो तू मुझसे बहस कर रहे है? मैडम बहस नहीं कर रहे हैं आपसे, यही तो बोल रहे हैं आपकी गाड़ी में स्टिकर नहीं है, हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। अबे ओ, तुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हम? मैडम आप दोनों समझने की कोशिश करिए ना, अगर हम आपको अंदर जाने देंगे तो हमारी नौकरी जा सकती है। तेरा नाम क्या है? रामलाल। एक मिनट रुक, तेरा सेक्रेटरी को फोन लगाती हूँ। हेलो, हाँ रमेश जी। सुनीता मैम कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। क्यों मैम, क्या हुआ, कोई तकलीफ है फ्लैट में? अरे तेरा फ्लैट गया भाड़ में, ये तेरा सिक्योरिटी गार्ड है ना, अंदर नहीं आने दे रहा है। अरे कौन है वो गार्ड मैम जो आपको अंदर जाने से रोक रहा है? अरे कोई रामलाल नाम बता रहा है अपना। एक काम करिए उसको फोन दीजिए। हाँ ठीक है, ले बात कर। हेलो रामलाल जी। सर तुम मैडम को अंदर जाने से कैसे रोक रहे हो, तुम्हें पता भी है सुनीता मैम हमारी बेस्ट कस्टमर है। सर आप ही ने तो बोला था बिना स्टिकर वाली गाड़ियों को अंदर नहीं आने देना। अरे बाहर में क्या तुम्हारा स्टिकर, सुनीता मैम को अंदर आने दो। ठीक है सर, ये लीजिए आपका फोन, आप दोनों अंदर जा सकती हैं। भैया भैया आपने यहाँ से किसी को जाते हुए देखा क्या? बेटा बताओ ना, किसी को जाते हुए देखा तुमने? नहीं मैडम हमने किसी को नहीं देखा। भैया याद करो ना, कोई तो इंसान गया होगा, यहाँ से हमारे घर से चोरी हो गई है। नहीं मैडम अब हम गाड़ी चेक नहीं करते, आप लोगों ने इतना सुना दिया हमको उस दिन कि हमें रोकता है टोकता है, लेकिन मैडम हम तो अपना काम करते थे ना, लेकिन फिर भी आपने इतना सुना दिया, जब से हम गाड़ियों को चेक ही नहीं करते, बिना स्टिकर वाली गाड़ियों को जाने देते हैं, शायद उन्हीं में से किसी ने चोरी की होगी। पर भैया आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए ना, आपको पता होना चाहिए कि सोसाइटी के अंदर कौन आ रहा है और कौन बाहर जा रहा है। मैडम हम तो ध्यान रखते ही थे, आप ही लोगों ने हमको उस दिन इतना सुना दिया, फिर हम नहीं रखते ध्यान। बेटा कुछ तो याद करो, कोई तो आया होगा। एक मिनट, आपका यही सामान चोरी हुआ था क्या? हाँ, यही सामान है हमारा। मम्मा हमारी ज्वेलरी, हमारा ही सामान है ये। हाँ मैडम अभी कुछ देर पहले कुछ लोग आए थे, हमें शक हुआ तो हम उनके पीछे गए, तो हमने देखा कि वो आपके घर में चोरी कर रहे हैं, तो हम आपके घर घुस गए और उनसे हाथापाई हुई, उनको तो नहीं पकड़ पाए लेकिन आपकी ज्वेलरी बचा ली। बेटा तुमने हमारी इतनी मदद की और उस दिन हमने तुम्हारे साथ कितनी बदतमीजी की, उसके लिए हम तुमसे माफी मांगते हैं बेटा। हाँ भैया प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, हमने आपकी कितनी इंसल्ट करी फिर भी आपने हमारी हेल्प करी, अगर आज आप नहीं होते तो हमारे पास हमारी ज्वेलरी होती ही नहीं। अरे नहीं नहीं मैडम आप लोग माफी मत मांगिए, आप लोगों को आपकी गलती का एहसास हो गया वही बड़ी बात है। थैंक यू सो मच बेटा। कोई बात नहीं मैडम, ये तो मेरा फर्ज था। अरे बेटा तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई ना? नहीं नहीं मैडम कोई चोट नहीं आई, और वैसे भी हमारा काम आप लोगों की रक्षा करना है, जो कि हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। आप लोग जाइए आराम करिए, हम यहाँ हैं आप लोगों के लिए।